डायपर बेचकर 150 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ बमटम की, जिसे 2 siblings मयंक और चिराग बेरिया ने शुरू किया था। भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, पर इनमें से सिर्फ 6% बच्चे ही अपने लिए डायपर्स खरीदते हैं। कारण है महंगा होना। बमटम ने मार्केट की इसी प्रॉब्लम को समझा और सिर्फ 6.14 रुपए में डायपर बेचना शुरू कर दिया, जो दूसरे कॉम्पिटिटर से काफी सस्ता था, जिस कारण टायर 2 और टायर 3 सिटीज में इन्होंने जबरदस्त सेल्स की। साथ ही इन्होंने छोटा भीम जैसे कार्टून से कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट्स बेचे, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और आज ये 150 करोड़ के डायपर सेल कर चुके हैं। क्या बमटम 500 करोड़ की कंपनी बन पाएगी?